अब से महज आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक ये जो काफिला है वो मथुरा टोल क्रॉस करेगा, उसके बाद आगरा टोल जो है यहाँ तस्वीर आपको दिखा दें, यहाँ एक्सीडेंट हो गया है प्रिया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपस में दो गाड़ियां टकरा गई है। ये ताजा अपडेट दे दूं कि जो एक गाड़ी जो थी वो सीओ की गाड़ी है और सीओ की गाड़ी से काफिले की जो दूसरी गाड़ी है वो टकरा गई है। तो कहीं ना कहीं एक हादसा, एक छोटा हादसा है वो होता होता बचा है, लेकिन आपस में गाड़ी जरूर भिड़ी है। सीओ के गाड़ी में इसी काफिले की जो गाड़ी है वो जाकर टकराई है। हालांकि गनीमत ये रही है कि कोई भी हादसा जो है वो हुआ नहीं है, गाड़ी जो है फिलहाल अभी भी काफिला जो है अपने नियत जो स्पीड है उसमें चल रही है। बिल्कुल, और देखिए सुमित, ये भी देखने वाली बात है प्रिया कि जिस स्पीड के साथ एक्सप्रेसवे पे पूरा काफिला चल रहा है, अमूमन गाड़ियों की स्पीड 100, 150 और 120 के राउंड बनी हुई है, लिहाजा फॉलो करने की कोशिश तमाम सब लोग कर रहे हैं। वज्रवान आप हमारे लेफ्ट में देख रही है, सीओ की गाड़ी देख रही है, एक बड़ा हादसा इस एक्सप्रेसवे पे होता होता बचा है क्योंकि स्पीड को नियंत्रित। मैं आपको बता दूं कि वज्रवाहन जो गाड़ी है वो सीओ के गाड़ी में जा टकराई है, और देखिए हादसा नहीं हुआ है लेकिन हादसा होता होता जो है वो एक तरह से बचा है, लेकिन फिलहाल अभी भी जो स्पीड है वो लिमिट में है, लेकिन जो तमाम गाड़ी जो इसको फॉलो कर रही है इस काफिले को उसकी जो स्पीड है वो एक तरह से काफी अधिक है, जिसके चलते ये हादसा जो है वो होते होते बचा है, लेकिन गाड़ी जो है व्रजवाहन की जो गाड़ी है वो सीओ के गाड़ी में जरूर टकराई है। हर्षा देखो, स्पीड को नियंत्रित करना समय बेहद जरूरी है क्योंकि एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे जिस तरह से फॉलो किया जा रहा है 100-150 की स्पीड है और जिस तरह से एम्बुलेंस को पूरी तरह से कवर करते हुए चल रहे। बिल्कुल, अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बता दें, मुख्तार के काफिले की जो दो गाड़ियां थी वो टकराई आपस में, सीओ की गाड़ी काफिले की गाड़ी से टकराई और व्रजवाहन जो था वो टकरा गया था सीओ की गाड़ी में जाकर के। हालांकि कोई हादसा हुआ नहीं, होते होते बचा है, स्पीड यहां पर नियंत्रण कर लिया गया वक्त रहते, नहीं तो बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस और उनका काफिला ये मुख्तार अंसारी को लेकर के जा रहा है और उसकी तस्वीर, हर एक तस्वीर जी हिंदुस्तान आपको दिखा रहा है। हर्षा, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए प्रिया, हमको आपको बताया कि मैं और सुमित काफिले को फॉलो कर रहे हैं और जी हिंदुस्तान की टीम बेहद नजदीक है, बेहद करीब है सीओ की गाड़ी के। और देखिए प्रिया, एक बड़ा हादसा सुमित होते होते बचा है क्योंकि देखिए स्पीड को यमुना एक्सप्रेस वे पे नियंत्रित रखना ये अपने आप में बड़ा टास्क है। जब आप 100-150 की स्पीड पे चल रहे हैं, आपको बांदा जी टाइम पे पहुंचना है, तमाम काफिले के साथ मीडिया कर्मियों की गाड़ियां भी फॉलो कर रही है, एक बड़ा हादसा होते बचा है क्योंकि वज्रवाहन जिस तरह से सीओ की गाड़ी से टकराया था, शीशा लगा था, जो लेफ्ट हैंड साइड का शीशा था, जो रियर व्यू मिरर है सुमित, वो टूटा है, उसके टूटे हैं। बिल्कुल, देखिए ब्रजवाहन का जो ड्राइवर है उसने सही समय पर ब्रेक ले लिया, अगर ब्रेक नहीं लेता तो कहीं ना कहीं सीओ की गाड़ी तो टकराती है लेकिन उसके आगे जो मुख्तार अंसारी जिस एम्बुलेंस में बैठा है वो भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो जाता, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा जो है वो होते होते टल गया है। लेकिन फिलहाल जो स्पीड जो है और घटा दी गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। दो सीओ जो हैं वो फिलहाल आगे पीछे जो हैं वो एम्बुलेंस के हैं और किसी भी गाड़ी को आगे जाने की अनुमति उनकी ओर से नहीं दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक बड़ा हादसा होते होते बचा है तो ऐसे में अब स्पीड की जो रफ्तार है, कहीं रफ्तार जो काफिले की रफ्तार है वो भी अब कम कर दी गई है। जहां 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये काफिला चल रहा था, अब 60-70 के घंटे की रफ्तार से ये काफिला चल रहा है। ये जरूरी भी है, ये जरूरी भी है और हादसे को होने भी नहीं देना और सुरक्षित मुख्तार अंसारी को पहुंचाना, शायद यही कारण है कि जो गाड़ियां अभी काफिले से बहुत दूर चल रही थी, दोनों सीओ की गाड़ियां, अब वो वज्रवाहन और एम्बुलेंस से बिल्कुल चिपकी हुई चल रही है, यानी कि जो घेरा है वो एकदम कंटिन्यूस घेरा क्रिएट किया गया, कॉम्पैक्ट घेरा क्रिएट किया गया, जिससे कि कोई चौथी पांचवी दूसरी गाड़ियां इस घेरे को भेद ना पाए, इसके बीच में ना घुस पाए, क्योंकि सबसे बड़ी योगी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा टास्क यही है कि मुख्तार अंसारी को सही सलामत बांदा जेल लेकर के आना है, क्योंकि वहां पे जो किलेबंदी की गई है वो बांदा जेल जिसमें बाहुबली डॉन की तरह रहता था ये मुख्तार अंसारी, आज वहां पे उसको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, वो जेल वो किला इसका इंतजार कर रहा है जिसमें किलेबंदी की हुई है, बाकायदा बूथ लगाया गया है, तो इस बार कोई सुरक्षा में सेंध नहीं होगी, कोई भी हादसा ना हो, इसीलिए स्पीड सुमित कम कर ली गई है। बिल्कुल, और देखिए सबसे अहम बात यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, योगी सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस की जो साख है वो कहीं ना कहीं बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल उठा था सिक्योरिटी को लेकर, और यहाँ जिस तरह से मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है, भाई है, वो भी सुरक्षा पर सवाल उठा चुके हैं, और ऐसे में जो हादसा अब से होते होते बचा
रहा है, उसके बाद देखिए किस तरह से स्पीड जो है वो लिमिट कर दी गई है, स्पीड जो है वो एक तरह से तय कर दी गई है। बिल्कुल सुमित, और इस बीच जो बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को बता दें, मुख्तार के काफिले की दो गाड़ियां टकरा गई थी आपस में, हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। काफिले की गाड़ियों से ये सीओ की जो गाड़ी थी वो टकरा गई थी, 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलती गाड़ियां आपस में टकराई और जो वज्रवाहन था उसके शीशे भी टूटे। हमारी सहयोगी हर्षा ये बता रही थी जो इस काफिले के साथ साथ चल रही हैं, हल्की टक्कर के बाद हालांकि फिर ये काफिला आगे बढ़ गया, वक्त रहते ड्राइवर ने ब्रेक लिया, बड़ा हादसा होते होते टल गया। हर्षा और सुमित, इस वक्त ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जो सीधे इस काफिले को फॉलो करते हुए ये तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, जहां सीओ की गाड़ी सबसे पीछे और हितेन और अभिषेक भी लगातार इस काफिले के साथ चल रहे हैं। हितेन, इस वक्त सब कुछ ठीक है? ये ले लीजिए, उसमें कराए। बिल्कुल, देखिए जो गाड़ी टकराने की खबर सुमित और हर्षा दे रहे थे वो पुलिस ने जानबूझकर जी हिंदुस्तान की गाड़ी को टक्कर मारी थी। जो गाड़ी टकराई थी दो आपस में, वो एक गाड़ी जी हिंदुस्तान की थी जिसको एक सीओ की गाड़ी ने जानबूझकर जो एक टक्कर मारी थी। अब वो किस प्रकार का जवाब से बच रहे, ये देखिए हमारे सहयोगी बता रहे हैं किस तरीके से अभी जो खबरें सामने आई हैं, हितेन लगातार उस काफिले में मौजूद हैं, जो उन्होंने देखा वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हितेन हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ये जी हिंदुस्तान की टीम की जो गाड़ी थी, क्योंकि हमारे एक दो नहीं कई सारे सहयोगी लगातार इस काफिले के पीछे पीछे हैं, उसमें इस गाड़ी की टक्कर हुई थी, ये खबर भी अब सामने आ रही है। देखिए इसके पहले जो वज्र वाहन था वो बताया ये गया कि सीओ की गाड़ी से टकराई, लेकिन हमारे सहयोगी हितेन बता रहे हैं कि इसी हिंदुस्तान टीम की गाड़ी थी। लेकिन देखिए बहरहाल प्राथमिकता ये है उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसके लिए भी कि सुरक्षित मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल में डाल दिया जाए, और उसी गति से ये पूरा काफिला आगे बढ़ता हुआ और मुख्तार अंसारी को आज देर रात बांदा की जेल तक उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंचाएगी। उसकी तस्वीर आप जी हिंदुस्तान पर देखते रहेंगे, पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश तक की अभी तक की तस्वीर सारी हमने आपको दिखाई है, बांदा तक की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जेल के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे और जेल के भीतर भी पूरी तैयारी कर ली गई है, वहां किस तरीके से चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, पुलिस बल की तैनाती है, ये भी हमने आपको बताया। यानी कि पूरा उत्तर प्रदेश जो है इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जिन रास्तों से होता हुआ ये काफिला जा रहा है वहां भी निगरानी चप्पे चप्पे पर है। और देखिए खुद योगी आदित्यनाथ पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसकी, उन्होंने पूरी मुख्तार अंसारी की रिपोर्ट को देखा और पूरे इस काफिले की रिपोर्ट उन्हें सौंपी गई है। और इस वक्त बांदा के रोड पे जहां इस अपराधी को ले जाया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, वहां से हमारे सहयोगी तुषार जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तुषार, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है और बांदा में इस वक्त कैसी हलचल? देखिए मैं इस वक्त नेशनल हाईवे पे खड़ा हूँ, ये कानपुर से बांदा का रोड है और अब से कुछ घंटे बाद मुख्तार अंसारी का काफिला इस जगह से गुजरेगा। ये वही जगह है जहां से यहां से टर्न होकर ये मुख्तार अंसारी का काफिला बांदा की ओर जाएगा। और अगर बांदा की बात करें तो बांदा में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जैसे लग रहा है कि बांदा जेल खुद मुख्तार अंसारी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तमाम पुलिस फोर्स वहां पे तैनात है, बड़े आला अधिकारी वहां पे मौजूद है, कई बार डीएम जो बांदा है वो खुद जेल का आके निरीक्षण कर चुके हैं। अलग से एक बैरिकेड बनाया गया मुख्तार अंसारी के लिए कि वहां से ही मुख्तार अंसारी अंदर जाएंगे और उसके अंदर किसी को भी आने की जाने की इजाजत नहीं होगी। सीसीटीवी कैमरा चप्पे चप्पे पर लगाया गया है, चाहे वो जेल के अंदर हो या फिर जेल के बाहर हो, दोनों जगहों पर सीसीटीवी कैमरा नजर रखे हुए हैं मुख्तार अंसारी के लिए। सीसीटीवी कैमरा खुद इंतजार कर रहा है कि जल्दी मुख्तार अंसारी आए, क्योंकि 2 साल से बांदा जेल, उत्तर प्रदेश की बांदा जेल लगातार मुख्तार अंसारी का इंतजार कर रही थी और यही वजह है कि आज यहां पे सरगर्मियां काफी बढ़ी हुई हैं, काफी हलचल है, लोग भीड़ उत्सुकता से यहां पे लोग हैं मौजूद हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे बांदा के लोग हो, उनको भी इंतजार है कि उत्तर प्रदेश का माफिया, वो माफिया जिसको लाने के लगातार उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही थी और पंजाब सरकार उसे रोकने का प्रयास कर रही थी, वो माफिया जिसके ऊपर 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, उसका इंतजार यहाँ पे लोग कर रहे हैं कि वो आए। अब से कुछ ही घंटे में वो यहाँ पे पहुंचेगा और उसे बांदा जेल में डाला जाएगा। पूरे रास्ते को छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया होगा। तुषार, पुलिस बल के अलावा क्या और भी फोर्स वहां पे कोई तैनात है?
देखिए समय समय पर यहाँ पे लगातार फोर्स आ रहे हैं। पूरे रास्ते में अगर बात करें तो स्नाइपर्स की तैनाती की गई है। कई जगह पे मैं अभी आ रहा था तो घरों के ऊपर भी देखने में मिल रहा था कि कुछ पुलिसकर्मी तैनात थे जो नजर रखे हुए चप्पे चप्पे पर। लगातार मूवमेंट यहाँ पे पुलिसकर्मियों का है। जैसे ही समय नजदीक आया, क्योंकि अभी काफी घंटे बचे हुए हैं मुख्तार अंसारी, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। तुषार, देखिए बांदा के उस नेशनल हाईवे पर मौजूद है जहां से मुख्तार अंसारी का जो काफिला है वो गुजरेगा, बांदा जेल के लिए जाएगा। और हर तस्वीर जी हिंदुस्तान पर इस वक्त हमारे सहयोगी तमाम जो बने हुए हैं इस काफिले के साथ साथ, वो तस्वीरें यमुना एक्सप्रेस वे से जब ये काफिला गुजरा उसकी तस्वीर, काफिला भटका उसकी तस्वीर, मुख्तार का काफिला लाइव इस सीधी तस्वीर हमारे सहयोगी पहुंचा रहे। पेट्रोल पंप पर काफिला रुका था पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए, काफिले का यू टर्न भी हमने आपको दिखाया, एक भी तस्वीर जी हिंदुस्तान ने छोड़ी। हमारे सहयोगी जो इस वक्त इस काफिले के साथ चल रहे हैं वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हर्षा भी हमारे साथ बनी हुई है। हर्षा, ये काफिला इस वक्त कहां पहुंचा, कितना दूर अभी मथुरा से? जी प्रिया, हम आपको बताएं कि मथुरा से ज्यादा दूर नहीं है। आप ये मान लीजिए लगभग 45 मिनट में मथुरा टोल ये पूरा काफिला पहुंच जाएगा। हालांकि जिस स्पीड से पहले चल रहा था 100-150 की स्पीड से, अगर उस स्पीड से चल रहा होता तो शायद अभी 10 मिनट में हम पहुंच जाते, लेकिन चूंकि बीच में टक्कर हो गई, जैसे कि हितेन अभिषेक बता रहे थे, क्योंकि सीओ की गाड़ी लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, जिससे सीओ की गाड़ी और वज्र वाहन ने हिंदुस्तान की गाड़ी को टक्कर मारी, रियर व्यू मिरर तो टूटा हमारी गाड़ी का। उसके बाद जो काफिला उनकी स्पीड बेहद कम हो गई है, क्योंकि कर्मियों की गाड़ी भी लगातार पीछे लगी हुई है और पूरी तरह से सुरक्षा में सेंध ना पड़ जाए, इसीलिए सीओ की गाड़ी भी लगातार हर किसी को रोक रही है कि घेरे में प्रॉपरली सुरक्षित मुख्तार अंसारी को रूट पर पहुंचाना है, बांदा जेल तक पहुंचाना है। लगभग 30-35 मिनट का समय और सुमित मथुरा टोल तक, और इनके लिए 2 लेन फ्री की गई है और वहां पे भी वॉलंटियर्स मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद है पर्टिकुलर जिले के, कि पूरा काफिला ठीक से टोल पार कर जाए। बिल्कुल देखिए